गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फाउंड्री टेक्नोलॉजी कास्टिंग प्रोसेस के अंदर, लास्ट लेक्चर में हमने कोपला फर्नेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसका जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है किस तरीके से, उसके बाकी के कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, ठीक है, और जो बेसिक स्केच डायग्राम था वो मैंने आपको समझाया था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये जो ऑपरेशन किया जाता है, मतलब जब भी हम लोग ये कोपला फर्नेस को यूज़ करेंगे तो उसका बेसिक ऑपरेशन किस तरीके से होता है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कोपला ऑपरेशन के ऊपर से। कोपला ऑपरेशन मतलब फर्नेस काम किस तरीके से करेगी वो। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ दी कोपला फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। जैसे ही कोपला फर्नेस काम करेगी, आप उसको ऑपरेट करेंगे, कुछ बेसिक स्टेप दिए गए हैं प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ दी कोपला। फर्नेस को ऑन करने से पहले, चालू करने से पहले उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फर्नेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेकअप टाइप हो जाएगा, सब मेकअप होता है ना, तैयार होते हैं आप, वैसे ही इसको भी तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए क्या स्टेप देख लेते हैं। द बॉटम डोर इज ड्रॉप टू ओपन। नीचे की तरफ जो दरवाजा है बॉटम डोर, उसको ओपन करेंगे। द कंटेंट इन द कोपला लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस मेल्टिंग ऑपरेशन आर डम्प्ड अंडर द फर्नेस एंड रिमूव्ड। जो कुछ भी लास्ट मेल्टिंग ऑपरेशन हो जाने के बाद जो कुछ भी बचा होगा फर्नेस के अंदर, ऐश, कोयला, मेटल के टुकड़े, जो भी कुछ है वो उस दरवाजे से डम्प्ड हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे फर्नेस से, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद है स्लैग, कॉक, आयरन स्टिकिंग टू द वॉल ऑफ द फर्नेस आर चिप्ड ऑफ। अंदर की साइड पे वॉल की फर्नेस पे जो भी स्लैग चिपका होगा, कोयला है उसका कुछ भाग चिपक गया होगा, आयरन चिपका हुआ होगा, वो सबको क्या करेंगे तो के भाई स्टिकिंग, जो ये सारी चीज़ें या फिर इनका जो भी मिक्सिंग है, मिक्सर है, वो अंदर की फर्नेस के अंदर दीवार के अंदर अगर चिपक गया होगा, चिपका हुआ होगा, तो उसको चिप ड्रॉप यानी क्या करेंगे, घिस के चिपिंग प्रोसेस करके निकाल देंगे, क्लीनिंग कर देंगे उसका। डैमेज फैब्रिक आर रिप्लेस बाय न्यू वन। अगर कहीं पे जो हमने रिफ्रैक्टरी मटेरियल का फैब्रिक से जो पूरा लाइनिंग किया है, अगर वो कहीं से टूट गया है, डैमेज हो चुका है, तो उसको थोड़ा रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। डैमेज फर्नेस रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज पिच्ड एंड रिपेयर। देखिए ये जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो कहीं से टूट गया, डैमेज हो गया, तो उसको वापस कंप्लीट कर देना है, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि इसकी वजह से ही क्या होता है तो कि फर्नेस के अंदर जो हीट लॉसेस हो रहा है उसको हम कम कर रहे हैं। अगर रिफैक्ट्री मटेरियल टूट जाएगा तो वहाँ से ढेर सारी हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर लॉसेस हो सकता है, क्लियर। ओके, रिपेयर कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे तो कि फाउंड्री टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको मेटल पिघलना है और उसको कास्टिंग के लिए यूज़ करना है, तो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग एट दी कंबसर जोन इज फिल विद दी रिफ्रैक्टरी पिचिंग मिक्सर। पिचिंग मिक्सर कंसिस्ट ऑफ दी ग्रेनस्टर और सिलिका और फायर क्ले। फॉर ओरिजिनल लाइनिंग कोपला ब्लॉक इज यूज्ड। ये सब क्या है, ये जो हमने बाहर दीवार पे रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का जो भी मटेरियल कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो उसका वो जो कंटेंट है, फायर ब्रिक है, सिलिका है, फायर क्ले है, क्लियर। फिर कोपला ब्लॉक आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप रिपेयरिंग के लिए। वंस द फर्नेस लाइनिंग इज रिकंडीशनेड द बॉटम ओपनिंग डोर इज क्लोज। जैसे अंदर का सारा रिपेयरिंग वर्क ख़त्म हो जाता है, नीचे से सब क्लीनिंग करके जो बॉटम डोर है उसको वापस क्लोज कर देना है। देन अ सैंड बॉटम इज प्रिपेयर। फिर जो हमने वो नीचे लास्ट में आपको याद हो तो फर्नेस के एंडिंग में इस तरीके से हमने सैंड का
कैपर्ड बेड तैयार किया था, इंक्लाइन बेड वो प्रिपेयर कर लेना है। अ लेयर ऑफ 10 mm थिक टेम्परेट सैंड स्लोपिंग टूवर्ड्स द टैप होल इज रैम्ड ओवर द बॉटम। 10 mm तक की थिकनेस रखनी है और जो भी सैंड है उसको टैप होल है राइट साइड पे, उस साइड थोड़ा इंक्लाइन रखना है, स्लोप देना है। अ स्लोप इज प्रोवाइड फॉर बेटर फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल। ये जो एकदम बॉटम पे लास्ट में हम लोग सैंड का इंक्लाइन यानी स्लोप दिया गया हुआ फ्लोर क्यों बना रहा है, ताकि जो भी पिघला हुआ मेटल है, मोल्टन मेटल है, वो इजीली वहाँ से फ्लो हो सके। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे तो क्या लाइटनिंग डी फायर जलाएंगे, फर्नेस को ऑन करेंगे। कुपोला इज फायर 3 hours बिफोर द मोल्टन मेटल इज पोर इन टू द मोल्ड। अगर आपको मेटल पिघला हुआ चाहिए जिस समय पे, उससे 3 घंटे पहले, बिफोर 3 hours क्या करना है आपको, लाइटनिंग लगा देना है, फायर चालू कर देना है, कुपला को जला देना है। फॉर स्टार्टिंग द कुपला ड्राई एंड सॉफ्ट वुडन पीसीस आर प्लेस्ड ऑन द रैम सैंड बेड। कैसे जलाएंगे, जैसे आप लोग चूल्हा जलाते हैं वैसे ही सॉफ्ट वुडन यानी जो सॉफ्ट लकड़ी आती है, क्लियर, उसके जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमने सैंड का बेड प्रिपेयर किया है वहाँ पे रख के उसको जलाएंगे। कोक इज प्लेस्ड ओवर द वुडन पीस एंड वुडन पीस आर लाइटनेड। क्या रहेगा नीचे वाला, नीचे वो इंक्लाइन सैंड का स्लोपिंग वाला स्ट्रक्चर, फिर उसके ऊपर सॉफ्ट लकड़ियाँ, फिर उसके ऊपर कोयला। हम किसको जलाएंगे तो कि जो भी वुडन के सॉफ्ट पीसेस है उसको हम लोग जलाएंगे। एयर रिक्वायर फॉर द कंबसन ऑफ द कॉक एंटर फ्रॉम द ट्रोयर्स। ट्रोयर्स से क्या होगा, कंबसन के लिए जितना भी एयर रिक्वायर है वहाँ से सप्लाई होगा। व्हेन इनिशियल कॉक इज बर्निंग वेल एन एडिशनल अमाउंट ऑफ कॉक इज एडेड टू द डिजायर्ड हाइट। जैसे आपको लगे कि भाई लकड़ी जल चुका है, लकड़ी की वजह से सबसे पहले जो हमने कॉक का चार्ज रखा था वो क्वांटिटी अभी जलने लगा है, मतलब बर्निंग वेल अच्छी तरीके से अगर जलने लगा है तो फिर जहाँ पे हमने बड़ी से हाइट पे ऊपर टॉप पे जहाँ पे प्लेटफॉर्म था वहाँ से क्या करना है, और कॉक को यानी कोयले को क्या करवाना है, हाइट से एंटर करवाना है। ठीक है, फिर स्लोली स्लोली हम लोग क्या करेंगे, लेयर वाइज चार्जिंग प्रोसेस करेंगे यानी पूरा फर्नेस को चार्ज कर देंगे। आफ्टर इग्निशन द कॉक बेड प्रॉपरली द कुपोला इज चार्ज फ्रॉम द चार्जिंग डोर। जैसे आपको लगे कि भाई सफिशियंट अमाउंट में जो कॉक है वो प्रॉपरली जलने लगा है, चार्जिंग डोर ओपन करना है और अल्टरनेट लेयर ऑफ लाइमस्टोन आयरन एंड कॉक। देखिए अल्टरनेटिव लेयर बनाना है, कोयला था फिर आयरन रखना है, फिर थोड़ा लाइमस्टोन रखना है, वापस कोयला रखना है, वापस आयरन रखना है, वापस लाइमस्टोन रखना है। ये सब हम क्या करेंगे तो कि चार्जिंग डोर से लेयर वाइज इसको अरेंज करेंगे। वह आप सोचोगे सर लाइमस्टोन क्यों रखना है, क्योंकि जब जब आयरन पिघलेगा तो उसके अंदर केमिकल प्रोसेस होके स्लैग फॉर्मेशन होगा, तो स्लैग हमारे किसी काम का नहीं है, तो स्लैग को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइमस्टोन रखते हैं। दूसरा होता है कि भाई प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए भी हमने लाइमस्टोन यूज़ किया है, क्लियर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसको रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लूडिटी इंक्रीज करने के लिए, स्लैग को अलग करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम नीचे लाने के लिए हमने लाइमस्टोन का भी लेयर यूज़ किया है। द रेशियो ऑफ मेटल टू बी फ्यूल बाई वेट रेंजेस फ्रॉम 4:1 टू 12:1। रेशियो कितना रहेगा मेटल और फ्यूल का, तो 4 parts मेटल का रहेगा, 1 फ्यूल का रहेगा, या फिर यहाँ से लेके 4:1 से लेके 12:1 यानी 12 parts फ्यूल का मेटल का रहेगा और 1 फ्यूल का रहेगा। तो रेंज दे दी गई है यहाँ पे मेटल टू फ्यूल, उसका जो वेट का रेंजिस है मेटल डिवाइड बाय फ्यूल उसका रेंज है 4:1 से लेके 12:1। मेटल चार्ज में कंसिस्ट ऑफ 30% पिग आयरन। मेटल का जो भी चार्ज है उसके अंदर क्या क्या होगा तो क्या 30% पिग आयरन होगा,
30% आयरन का स्क्रैप होगा, पुराना जो बंगार है हमारा आयरन का वो। 10% स्टील क्रैप होगा, स्टील का बंगार वेस्ट। ओके, एंड अबाउट 30% रिटर्न्स, 30% जो लास्ट प्रोसेस से रिमूव हुआ होगा या फिर कास्टिंग प्रोसेस से हमने जो बाकी के कंपोनेंट रिमूव किए होंगे, जैसे स्पर है, गेट है, राइजर है, तो वो सारी चीज़ें क्या करी है, तो कि मेटल के दौरान, मेटल के चार्जिंग के दौरान कोपला फर्नेस के अंदर हम लोग डालेंगे। चार्जिंग शुड बी कंप्लीटेड 45 मिनट टू 1 आवर। ये पूरा चार्जिंग प्रोसेस लेयर वाइज लेयर जो है उसको तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 आवर, 45 मिनट थी लेने 1 कलाक ने अंदर आखी प्रोसेस पटी जवी जोइए। बिफोर दी एयर ब्लास्ट इज टर्नेड ऑन, इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, ब्लोअर की मदद से एयर ब्लास्ट क्रिएट करवाएंगे। तो एयर ब्लास्ट होने से पहले 45 मिनट्स या 1 आवर्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये पूरा चार्जिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद वापस सारे डोर बंद कर देने, क्लोज कर देने हैं, फिर ब्लोअर ऑन करना है और एयर ब्लास्टिंग प्रोसेस चालू करना है। यानी ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर ब्लोअर की मदद से फर्नेस के अंदर एंटर करवानी है, इससे और अच्छा कंबसन होगा और फटाफट जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग, मतलब मेटल पिघलेगा। आफ्टर चार्जिंग इज ओवर इट इज़ केप्ट एज सच फॉर अबाउट 20 to 50 मिनट सो डैट द चार्ज इज हीटेड अप विद द नेचुरल ड्रॉट। चार्जिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा 1 घंटे के बाद, तो उसी कंडीशन में 20 से 50 मिनट तक, 20 टू 50 मिनट तक चार्जिंग को ऐसे ही रखना है। अभी भी हमने एयर ब्लास्ट चालू नहीं किया है, ब्लोअर चालू नहीं किया है, नेचुरली ही 20 टू 50 मिनट तक जो भी चार्ज हमने डाला है उसको गर्म होने देना है नेचुरल तरीके से। ड्यूरिंग दिस सॉकिंग पीरियड ब्लोअर आर नॉट स्टार्टेड, ये जो है ना 20 to 50 मिनट, ये सॉकिंग पीरियड है। मतलब अगर मॉइस्चर होगा, पानी होगा, भेज होगा, तो ये सारी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा 20 to 50 मिनट। उस टाइम पे ब्लोअर चालू नहीं करना है, नेचुरल तरीके से हीटिंग होने देना है। एट द एंड ऑफ द सॉकिंग पीरियड, जैसे ही सॉकिंग पीरियड ख़त्म होता है, 50 मिनट ख़त्म होती है, ब्लास्ट इज टर्नेड ऑन, ब्लोअर चालू कर देना है। ठीक है, अब ब्लोअर क्या करेगा, तो कि भर भर के ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर है उसको फर्नेस में अंदर डालेगा, जिससे कंबसन ज़बरदस्त हो जाएगा, कंप्लीट कंबसन होगा। एंड 10 मिनट के बाद, जैसे आपने ब्लोअर ऑन किया, आफ्टर द 10 मिनट मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, 10 मिनट के अंदर पूरा फर्नेस इतना गर्म हो जाएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट फटाफट आ जाएगा और मेटल पिघलने लगेगी। मोल्टन मेटल विल अपियर एट द हॉल, जो नीचे हमने हॉल रखा था वहाँ पे आपको मोल्टन मेटल पिघली हुई बाहर आने के लिए रेडी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सूटेबल तरीके से वहाँ से कलेक्ट करना है और जहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे ले जाके उसको कॉन्सनट्रेट करवा देना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड टैप एंड स्लैग हॉर आर क्लोज विद द थिन मिक्सर ऑफ द मोल्डिंग सैंड एंड बोल्ट। ये सारी प्रोसेस होती है तब जो स्लैग हॉल है और जो जहाँ से मेटल निकल रही है टैप हॉल, उसको क्लोज कर देना है। ऐसा हो तो क्या कीजिए, आप सैंड यूज़ कीजिए सील करने के लिए या फिर बोल्ट लगा दीजिए। क्लियर, मोल्टन आयरन इज अलाउड टू कलेक्ट फॉर अबाउट 5 मिनट। जैसे आप ब्लोअर चालू करोगे 10 मिनट तक ब्लास्टिंग होते रहना देना है, उसके 5 मिनट बाद मेटल पिघल के बाहर आने के लिए रेडी है। क्लियर, अब आप क्या कर सकते हैं, टैपिंग डोर है उसको खोल के वहाँ से पिघले हुए मेटल को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपकी कास्टिंग प्रोसेस हो रही है आसपास वहाँ पे जाके उसको पोरिंग करवा सकते हैं। क्लियर, अब मेटल तो पिघल के आने लगी लेकिन जो स्लैग होगा, तो दूसरा जो हॉल है स्लैग हॉल, वहाँ से आपको क्या करना है, मेटल कलेक्ट कर लेना है, फिर वो डोर क्लोज कर देना है, टैप हॉल, टैप जो डोर है क्लोज करना है, फिर बाजू में जाना है लेफ्ट साइड पे, और किसको ओपन करना है अभी,
स्लैग डोर को, और वहाँ से जो भी मेटल का स्लैग है उसको भी रिमूव कर देना है। क्लियर? ब्लास्ट तो कंटिन्यूसली चालू रखना है, इससे क्या होगा फर्नेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा और मेल्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर? अब जैसे ही पूरा आपने एक बार में जितना भी चार्ज किया होगा कुपला फर्नेस को, तो उसके अंदर जितना भी मेटल होगा वो स्लोली स्लोली पिघल के बाहर आ जाएगा। अगर आप प्रोसेस को कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो आपको वापस क्या करना है, तो टैप डोर और स्लैग डोर को क्लोज करके चार्जिंग डोर के थ्रू वापस चीज़ें कोयला, लाइमस्टोन और मेटल उसको चार्ज करवाते रहना है, ताकि प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहे और आपको कॉन्स्टेंटली पिघला हुआ मेटल मिलता रहे। तो ये हो गया हमारा कुपला फर्नेस का ऑपरेशन, किस तरीके से कौन से स्टेप के थ्रू वो वर्क करेगा। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, कल हम डिस्कस करेंगे जोन इन कुपला, कि पूरा जो इतनी लेंथ वाला 6 मीटर की लेंथ वाला जो कुपला फर्नेस है, तो उसके अंदर कौन से जोन प्रोवाइड किए गए हैं जिसको हमको कंसिडर करना है, जिसको हमको ध्यान रखना है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।